बेटे से जिसे जिंदा शहीद भी कहा जाता है, AIAFTF के अध्यक्ष MS बिट्टा से। खून के आजादी के तिरंगे झंडे को आग लगाने की हिम्मत नहीं करता, ये आज का 2020 का भारत है। और आज हम बात करेंगे मां भारती के उस बेटे से जिसे जिंदा शहीद कहा जाता है, AIATF के अध्यक्ष MS बिट्टा से। बिट्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर आपका। वंदे मातरम। बिट्टा जी, आज स्वतंत्रता दिवस, बधाई हो आपको स्वतंत्रता दिवस की। जी, आप मुबारक हो। बिट्टा साहब, जिस तरीके से देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से आपने भारत में काफी कुछ चीजें देखी, स्वतंत्रता दिवस के बाद संविधान बना 1950 में, काफी अधिकार दिए गए, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमें विचार साझा करने का अधिकार दिया गया, बोलने का अधिकार दिया गया, अब तक आपको आजादी के बाद से सच बोलने की सजा जो है वो कितनी दफा मिल चुकी है? मैं एक बात कहूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, मंगल पांडे, जिले वाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी, सुभाष चंद्र जी बोस जिन्होंने बहुत बड़ी संघर्ष और क्रांति की जी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम उधम सिंह जी, इन्होंने जो कुर्बानियां दी थी, इनकी कुर्बानियों का मकसद क्या था? भगत सिंह जी चाहते, राजगुरु सुखदेव चाहते तो जिंदा रह सकते थे जी, पर उन्होंने मौत को पहल क्यों दी जी? मौत को इसलिए पहल दी कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कैसा भारत छोड़ के जाए जी, इस देश में अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए एक ऐसी क्रांति लाए जी। वो क्रांति तभी हो सकती है फांसी के रस्ते हाथ चूमना जी, और ऐसा भारत जो आपने शुरुआत की जी, छोटा बड़ा, कास्ट, मजहब, धर्म, दीप, अमीर में फर्क न मिले, आम आदमी से बड़े को, एक आम नागरिक को उसके अधिकार, उस बोलने का हक जी, उसको जज्बातों को समझने का हक जी, उसको मिले जी। मैंने जो अपनी जिंदगी में महसूस किया, इस राजनीति, राजनीति तो नहीं की मुझे, राजनीति कहते बड़े, मैं राजनीति की बचपन जी, मैंने सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जी राजनीति गुलामी देखी जी, और राजनीति का आतंकवाद देखा जी, और शहीद आजम भगत सिंह जी जी, जो किसी प्रोफेसर ने बोला जी, मुझे बताया जी, एक प्रोफेसर सतलुज दरिया, जहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको दरिया में फेंक दिया, क्या वहां उनकी समाधि पे, उनके स्टैचू पे जी खड़े होके जोर जोर से रोते और रात वही गुजार देते जी, और सपने में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आते और उनको सवाल पूछते जी, हमने तो आपको आजादी लेके दे दी जी, आप रोए क्यों जी? कहता, मैं रोया इसलिए था, जब आपने फांसी के रस्से को गले में लगा के हंस हंस के चूमा, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हुए जी भारत आजाद हुआ जी, पर जब आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कत करके सतलुज दरिया में फेंक दिए तो भारत फिर एक राजनीति गुलामी में चला गया जी। उस समय तक सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री तक ये भारत आजाद रहा, उसके बाद मैंने तो राजनीति गुलामी देखी है, मैंने तो राजनीतिक आतंकवाद देखा है, ये मेरी जिंदगी का एक एक अनुभव है जी। लेकिन शहीद भगत सिंह की आप बात करते हैं, आपसे भी जानना चाहूंगा आज स्वतंत्रता दिवस पर कि जिंदा इंसान को, जिंदा शहीद बिट्टा क्यों कहा जाता है? देखो, मैंने बचपन में जी अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग जाया करता था जी, मेरी उम्र होगी 6 साल 7 साल जी, वो वॉक के लिए जाया करते थे, एक तरफ हरमंदर साहब, वो गुरु महाराज का पवित्र स्थान, एक तरफ जलियांवाला बाग, बीच में हमारा हवेली थी जी, कई वक्त जाता रहा जी। एक दिन अपने ग्रैंडफादर की उंगल पकड़ के मैं ले गया, मैं कहा ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं जी? कहने, उन्होंने बताया ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान है जी,
जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर 13 अप्रैल को गोलियों की बुछाड़े की थी, तोपों की बुछाड़े की थी जी। और उसके बाद इस भारत की आजादी की नींव रखी गई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के जी ये खून से बना ये आजादी का तिरंगा झंडा बना जी। मुझे उन्होंने एक भगत सिंह जी की किताब और एक सुभाष चंद्र बोस जी की किताब और जलियांवाला बाग का इतिहास की किताबें लेके दी। मैंने महीना दो महीने पढ़ी, फिर सैर करता करता मैं उनकी उंगल पकड़ी वहीं ले गया जी। वहां मिट्टी को खड़ोच करके मैंने कहा आजादी तो इन्होंने लेके दे दी, जब कभी जिंदगी में वक्त आया इसकी आजादी की रक्षा के लिए अपना जीवन मातृभूमि के चरणों में दूंगा। वक्त गुजरा, गुजरते गुजरते हमने 15 अगस्त 26 जनवरी, थोड़ी उम्र थी मेरी, नौजवान दोस्त मोहल्ले के थे जी, हमने मनाने का फैसला किया। वक्त गुजरा जी, जब हरमंदर साहब की पवित्रता को भंग करने के लिए, हरमंदर साहब वो पवित्र स्थान जहां हथियारों का जखीरा चला गया जी, जहां गोली बारूद चला गया जी, जहां खालिस्तान के नारे देने शुरू कर दिए जी, जब मातृभूमि को इस देश से तोड़ने की कोशिश की, पंजाब को कहा खालिस्तान बनाएंगे जी, तो आजादी का दिन आया जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे का मनाने का वक्त आया जी। मैंने पहले की तरह मनाने की कोशिश की जी। 5 बजे मेरे घर में अंदर से कुछ देशद्रोही आए, उन्होंने बम फेंक दिया। बम इसलिए फेंक दिया कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे की झंडे की रक्षा न कर सके जी, हम आजादी का दिन न मना सके जी, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से मिली आजादी न मना सके। लेकिन बिट्टा साहब, मैंने कहा बम चले जा, गोलियां चले, आजादी का तिरंगा झंडा यही लहराएंगे और लहराया जी। लेकिन बिट्टा साहब, आपको क्या मौत का खौफ नहीं? आप पर भी बम गिरा, जिस तरीके से आपके पांव में गोलियों के निशान हैं, जब आप कहीं से गुजरते हो तो सुरक्षा जो व्यवस्था की गई होती है तब सायरन बजने लगते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता मौत का? एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं जी, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन शहीदों की आजादी की रक्षा के लिए मैंने शरीर पे बम खाए जी, मेरी किसी कौम से दुश्मनी नहीं जी, मेरी किसी धर्म से दुश्मनी नहीं जी, मेरी तो मातृभूमि की रक्षा के लिए मेरा कर्म है जी। और बम गोलियां तो मुझे फूलों की तरह लगते हैं जी, जो मेरे शरीर में बम गोलियों से दर्दें होती हैं जी, वो मुझे फूलों की तरह लगती हैं जी। पर हिंदुस्तान की वो आजादी के दिन मैं कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक गुलामी, राजनीतिक आतंकवाद, जो भगत सिंह जी की विचारधारा के उल्ट जी, जब राजनीति का गलत शोषण होता है, जब राजनीतिक आतंकवाद के जरिए प्रशासनों का गलत इस्तेमाल होता है जी, तो वो मुझे जरूर दुख देती है, वो पीड़ा जरूर देती है। मैं बम्बों गोलियों मौत को गले लगाता हूं, हरा चुका हूं मौत को, कई बार हरा चुका हूं बम्बों गोलियों को, पर राजनीतिक आतंकवाद को मैं नहीं हरा सकता हूं। ये सबसे खतरनाक है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन बिट्टा साहब, आज अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां की रूह देखती होगी उन राजनीतिक लोगों को जो राजनीति का गंदा इस्तेमाल करते हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो उनकी आत्मा रोती होगी। लेकिन बिट्टा साहब, आप राजनीति में आए, फिर राजनीति क्यों छोड़ी? मैं राजनीति में नहीं आया था जी, मैं राजनीति में आया था जी। उस वक्त की कांग्रेस जी, उन्होंने देश को आजादी लेके दी थी जी, उस वक्त की कांग्रेस जी, जिसके सरदार, जिसके सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे जी, वो कांग्रेस जिसके सरदार पटेल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री, अगर कहीं उस वक्त सरदार पटेल जी का अगर उनको मुकम्मल आजादी होती, आज कश्मीर के अंदर हमारे जवान कभी इतने शहीद ना होते, आज कश्मीर से अलग ना होता जो आज कश्मीर को नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल तौर पे जोड़ा है जी। तो मैंने जब देखा, मैं बम्बो गोलियों मौत से तो मुकाबला कर सकता हूं जी, वो मेरे दोस्त हैं, इसमें कहने में कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बम्बो गोलियों मौत से नहीं डरता, मैं राजनीतिक आतंकवाद से डरता हूं। तो मैं राजनीतिक से अलग होकर के उन शहीद परिवारों के लिए, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके परिवारों के लिए
जी देश की युवाओं को जगाने के लिए अपने मिशन में लग गया। ना मेरा मकसद एमपी बनना है, ना सीएम बनना है, ना सत्ता कुर्सी, ना कोई राष्ट्रपति अवार्ड लेना है। मेरा एक ही मकसद है, आजादी के दिन मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बोनस की जिंदगी के अंदर एक एक ही मकसद है कि मातृभूमि हमेशा सुरक्षित रहे, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन बिट्टा साहब, आप बार बार बम का जिक्र कर रहे हो, आप पर कब हुआ था बम ब्लास्ट? काफी आपको शारीरिक तौर पर भी उसका नुकसान झेलना पड़ता, आज तक वो दर्दें आपके शरीर में होती हैं। मेरे ऊपर मुझे फक्र से मैं कहता हूं, तो कई बार चले गोलियां, कई बार चली जी, 70-80 के करीब मेरे साथ मेरे जवान, पब्लिक, मेरे दोस्त कई शहीद हो चुके उन बम्बों से जी, पर एक बम हमेशा याद रहेगा आखिरी दम तक जी, जो 15 अगस्त आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए जब मुझे कहा गया तिरंगा झंडा लहराओगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का बम्बो गोलियों से उड़ाएंगे, तो हमने बम चलने के बाद वो तिरंगा झंडा लहराया, फिर आतंकवादियों का चैलेंज आया, अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे, हम खड़े रहे उस तिरंगे झंडे के नीचे 5 बजे तक जी, सूरज डूबने लगा, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे और तिरंगे झंडे को उतारा और सीने पे लगा के ले गए। मैंने उस दिन मातृभूमि वंदे मातरम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की वो एक ताकत एक शक्ति देखी कि बम गोलियों के सामने अगर दिल से भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम भारत माता की जय की इतनी शक्ति है। ये जगह बिट्टा साहब, ये जगह कौन सी मैंने देखा है, ये जगह कौन सी थी जहां पर आपके ऊपर ये ब्लास्ट हुआ? ये अमृतसर थी जी, बिल्कुल हरमंदर साहब के पास जी, जहाँ गुरुद्वारा साहब की वो पवित्र स्थान हमारे गुरु रामदास जी की तपो जपो से सजा हुआ, जिसका अपमान किया गया, जिसके अंदर हथियारों का जखीरा चला गया था जी, कहां से हथियार आते थे पाकिस्तान से, कहां थे ऐलान हुआ करते थे, आज दिल्ली के अंदर, आज बॉम्बे के अंदर, आज फलाने पे घड़े पे पर्चियां निकलती, फलाने को मार दिया जाएगा, मार दिया जाता था जी, और बच्चों से निकाल करके जी सेकुलर सिखों को, हिंदू भाइयों को गोलियों का एक लाइन में खड़ा होकर निशाना बना दिया जाता था जी, यहाँ से सैकड़ों सिख और हिंदू पंजाब छोड़ के चले जाए, हम खालिस्तान चाहते हैं। उस वक्त 15 अगस्त को हमने मौत का कफन सिर पे बांधा था और ये कहा था पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, खालिस्तान ना बना था ना बनेगा ना कभी बनने देंगे, अगर बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों पे ऊपर से गुजर जाएगा, हिंदुस्तान एक है एक रहेगा, ये हमने उस वक्त नारा दिया था जी। जी, लेकिन बिट्टा साहब, आपने नेहरू का वक्त भी देखा है, आजादी के बाद से जो राजनीतिक सफर आपने भी तय किया है, राजनीति के उठापटक आपने भी देखी है, लेकिन पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में आप क्या फर्क देखते हैं? शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के शहीद, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दुनिया घूमी जी, जब घर से निकलते थे तो कहते थे अपनी माँ को, माँ गोली सीने पे खाएंगे, इस भारत माता को आजाद कराएंगे जी, और सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद राजनीति में इतनी गिरावट आई, क्या कहते थे राजनीतिक लोग, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, आतंकवाद का गुलाम बनाएंगे, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, ये लालू प्रसाद यादव जैसे लोग राजनीति धर्म के नाम के ऊपर, कास्ट के ऊपर नाम राजनीति करने वाले लोग जब घर से निकलते कहते माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को आतंकवाद का गुलाम बनाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे, और उस वक्त कहते थे भारत माँ घर से निकले हैं, गोलियां सीने पे खाएंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे, ये वो वक्त और उसके बाद का ये वक्त रहा। तो ये आपने लालू का जिक्र किया, तो लालू ही केवल ऐसे नेता है या कुछ और भी ऐसे नेता हैं? बहुत बहुत नेता थे जी, बहुत नेता, आप मायावती को देख ले, आप और देख ले जो कास्टिज्म पे राजनीति करते जी, सवाल ये था आजादी के दिन हमें ये सोचना है जी, क्या भगत सिंह ने किसी कास्ट मजहब जी को लेके, या जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने क्या कास्ट और मजहब और धर्म को लेकर के क्या आजादी की लड़ाई लड़ी थी? नहीं जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मानवता के लिए, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। क्या आज कौन सी आजादी की रक्षा करते हैं जी,
मैं हिंदू हूं तो मुसलमान है, तो सिख है, तो ईसाई है, मैं मेरी वो कास्ट, मेरा वो, मैं यादव, मैं भूमिहार, मैं सिख, वो हिंदू, वो जाट, वो नॉन जाट, कौन सी आजादी? लेकिन भगत सिंह जी ऐसी आजादी नहीं चाहते, बिट्टा साहब, सुभाष चंद्र बोस जी ऐसी आजादी नहीं चाहते, बिट्टा साहब आज भी किसी पोस्ट के लिए, बिट्टा साहब आज भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं नेता लोग, जब भी अपना एक फॉर्म भरते हैं, जब चुनाव होते हैं तब भी वहां पर एक धर्म का, एक कास्ट का कोलम होता है, क्या वो कोलम हटने नहीं चाहिए? आजादी के बाद भी अब भी जात पात की वो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या वो चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए? मैं वही तो कहता हूं जी, आजादी का दिन तो मना रहे हैं जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को कागज के टुकड़े नहीं है जी, ये खून से सजा हुआ तिरंगा झंडा है जी, हमने सीख क्या ली जी, ये तो हमने नहीं सोचा जी, मेरे से पूछो मैं कौन हूं, मैं कहता हूं मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम जी, और भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरी मौत जब भी आए कभी बब्बो गोलियों से मौत आए, बीमार होके ये कोरोना से मत देना, बब्बो गोलियों से देना, अगर मौत आए और आखिरी समय पे मेरे मुंह से यही निकले जी, बम गोलियां खाते हुए मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे कहता हुआ मातृभूमि तेरे चरणों में समा जाऊं, यही मेरे अंदर है, ये मेरी कास्ट है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा मेरा मजहब है, मेरा भारत ही मेरा धर्म है। और हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर जो कुछ औरंगजेब ने किया, उन्होंने कुर्बानी शहादत दी, उन्होंने कुछ सिख कौम के लिए नहीं दी जी, उनको कहा जाता था हिंद की चादर जी, मानवता की रक्षा के लिए जी। हमारे गुरुओं के साहबजादे, दो साहबजादों को नियो में चिनवाया गया, दो शहीद हुए जंग में जी, उन्होंने मानवता के लिए शहादत दी, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, ईसाई था, मानवता के लिए, इस मातृभूमि के लिए। कई लोग कहते जी हम पंजाब से नहीं, हम पंजाब से नहीं है, हम हिंदुस्तान से हैं जी, पंजाब तो हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, और हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति हर मजहब का पंजाब उसका है, महाराष्ट्र हमारा है जी। ये तो हम राजनीतिक लोगों ने को महाराष्ट्र का नाम दे दिया, को पंजाब का नाम दे दिया, को बिहार का नाम दे दिया, भगत सिंह जी की ये आजादी की बात नहीं थी जी, जलियांवाला बाग के शहीदों की ये आजादी की बात नहीं थी, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा और एक एक रहना चाहिए। और हम राजनीतिक लोगों को जी, जनता को समझाना है जी, पॉलिटिशियनों को समझाना है, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा जी। तो बेटा साहब, अलग अलग है बेटा साहब, आज के जो वर्तमान माहौल देश का बना हुआ है, देश आजादी का दिहाड़ा मना रहा है, युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगा, आज भारत बदला है जी, आपने देखा होगा ना, मैं बीजेपी से हूं, मैं पुराना कांग्रेसी हूं जी, ना मैं किसी से, मेरा कोई तल्लक है पॉलिटिकल पार्टी से जी। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो 56 इंच की छाती का लोग मजाक उड़ाते थे कि पॉलिटिकल लोग जी, आज उन्होंने चाइना के बॉर्डर में खड़ा होकर 56 इंच नहीं, 62 इंच की छाती को ठोक करके जवान सेफ अपने रूम में बैठा, गोली तैयार खड़ा, और विजय नरेंद्र मोदी जी छाती चौड़ी करके चाइना की गोलियों के सामने खड़ा होके चाइना को वार्निंग देते इशारों में, मेरे जवान को गोली बाद में लगेगी, पहले 60 इंच की छाती से गोली निकल के जाएगी। ये मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं जी, कि हर नौजवान फौज की ट्रेनिंग ले जी, टेरिटरी आर्मी में ट्रेनिंग ले जी, एमरजेंसी में कभी भी देश पे मुसीबत आए जी, अकेले हम जवान नहीं, हम भी हमेशा तैयार रहे जी, कभी मातृभूमि की सीमाओं के लिए बंदूक पकड़नी पड़े जी, उसके लिए हमें जवान के लिए तैयार रहना पड़े। ये आज का 2020 का भारत है जी, जिसमें हमें क्या मिला, राम जन्मभूमि, 500 साल का अटका हुआ मामला जी, जहां रामलला जी जहां झुग्गियों में रहते थे जी, वो बाबर जिसने गुरु नानक देव जी महाराज से चक्की पिसवाई थी जी, और उसके बाद उसकी आगे जनरेशन औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों को नियो में चिनवाया, जुल्म किए धर्म के ऊपर, मजहबों के ऊपर। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जी, बाबर का नामो निशान बैठा दिया, ये 500 साल का इतिहास और 80-90 साल का इतिहास जम्मू कश्मीर का, हमारे नेताओं की गलतियों से इतने जवान शहीद हो गए, खून की नदियां बह गई जी,
80-90 साल का इतिहास नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ के वो मारा, आज हिंदुस्तान को एक कर दिया। जहां महबूबा मुफ्ती कहती थी अगर तिरंगा झंडा जहां लहराया जहां खून की नदियां बहेगी, आज तिरंगा झंडा भी लहराया गया। आज जवानों का शहादत भी कम हुई जी। आज वहां के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के आजादी के तिरंगे झंडे को आग लगाने की हिम्मत नहीं करता। ये आज का 2020 का भारत। चलिए बिट्टा साहब, मत सोचिए बीजेपी, मत सोचिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने किया है हिंदुस्तान की सीमाओं के लिए, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने के लिए, वो काफिर बाबर का नामो निशान मिटाने के लिए। अगली बारी क्या होगी, मथुरा और काशी जी ये भी आजाद कराएंगे। और दूसरी बात मैं जरूर जरूर कह दूं, अगर अजमेर शरीफ की तरह पीर पैगंबर की जगह होती तो हम खड़े होते, कभी तोड़ने ना देते। ये काफरों की जगह है जी, ये कृष्ण जी का स्थान है जी, वो भोले शंकर का वाराणसी में स्थान है जी। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को इस आजादी के दिन, इस सेकुलर के दिन, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जैसे राम जन्मभूमि कोर्ट ने दे दी, आप सेकुलरिज्म का सबूत देते हुए जी आज जो काशी और मथुरा को भी आजाद करके हमारे कृष्ण भगवान को भोले शंकर की वो जगह, जो स्थान है पवित्र, उनको अलग कर दीजिए। ये काफिर की जगह है जी। बाबर के साथ, औरंगजेब के साथ किसी कौम का नाम जुड़ना ये कलंक है। ये कलंक को मिटा के रख दीजिए और कहिए ये दो लोग काफिर थे जिन्होंने कत्लेआम किया है जी। ये हिंदुस्तान के नहीं थे, बाबर बाहर से आया था। हिंदुस्तान का मुसलमान हमारा भाई है जी। हमें हिंदुस्तान के मुसलमान से फर्क है, पर बाबर और औरंगजेब ये कातिल थे। इन्होंने हमारे गुरुओं को शहादतों का जाम पीना पड़ा, गुरु अर्जन देव जी को पीना पड़ा, गुरु तेग बहादुर जी को पीना पड़ा और उनके साहबजादों को पीना पड़ा, और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा इतिहास के पन्नों को खोलें, बाबर और औरंगजेब के इतिहासों को समाप्त कर दें। ये पहल मुसलमान भाई करें। जिस तरीके से पंजाब के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ना मजहब ना धर्म, हमने मौत का कफन बांध करके हमने पंजाब को अमन शांति दिया जी। हम पहल करें इस चीज की, इसमें सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा सबूत जाएगा जी। चलिए बिट्टा साहब, हमारे साथ आज स्वतंत्रता दिवस के विशेष मौके पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्वतंत्रता दिवस पर भारत माता का वो बेटा जिसने ना जाने क्या कुछ इस राजनीतिक सफर में देखा है, जिसने अपने विचारों को भी साझा किया, आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की एएनबी न्यूज की तरफ से बधाई। और मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम।